आज हम बात करने वाले हैं लूपिंग कॉन्सेप्ट इन जावा हम सभी ने पढ़े होंगे बहुत सारे लूप्स बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बट आज हम स्पेसिफिकली जावा में लूपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे देखते हैं स्टार्टिंग टेन तक बने रहना समझ में आएगा फॉर लूप फॉर लूप्स कितने तरह के होते हैं किन किन सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं और विच इज द इफेक्टिव वे इन वॉट सिचुएसन देखते हैं स्टार्ट करते हैं हमारे पास तीन तरह के लूप है फर्स्ट इज नॉर्मल फॉर लूप जो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में सेम ही होता है सी प्लस प्लस में देख लो सेम होता है राइट right? स्टार्टिंगली हमें एनिसलाइज करना पड़ता है सेकेंड कंडीशन होता है थर्ड हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम वे सेकेंड होता है लूप जो कि काम करता है किसी भी ट्रेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ आइदर इट कैन बी अ स्ट्रिंग इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी एन एरे इट कैन बी एनी थिंग

Array में हम टू थ्री लेटी फोर फाइव राइट दिस इज नो बेसिक फॉर आर हैविंग इधर यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया यहाँ पे हम, तो right? you know, हम, हम डिक्रीमेंट भी करा सकते थे बट उसके लिए हमें फिर कराना क्या पड़ता है हमें इसको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता लेंथ माइनस वन और यहाँ पे हमें क्या कराना पड़ता कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कराना पड़ता राइट right? क्या बोलना पड़ता हमें इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो जब तक मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और यहाँ पे हम इसको माइनस माइनस करा सकते हैं तो भी हमारा फॉर लूप फॉर जो लूप है वो रिवर्स में चलेगा लेट्स ट्राई टू सी you can see i got my answer 5 4 3 2 1 this is a basic for loop that we all have you know studied or jo humne padha hua hai theek hai isko i will not remove i'll keep it like this let's see second for of loop For ऑफ loop कैसे काम करता है और कैसे different है normal हमारे for loop फॉर लूप से देखते हैं uh, तो हमें क्या करना पड़ता है फॉर विल राइट सिंपल फॉर राइट ओवर हेयर

बहुत ही अच्छा है बहुत ही वे में, में कर सकते हैं ये था हमारा सिंपल फॉर ऑफ लूप राइट अब हम बात करते हैं देखते हैं फॉर ऑफ लूप जो है और हम इसको किन सिचुएशन में जैसे कि अब हम हमें अगर इसको यूज करना है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में तो कैसे यूज कर सकते हैं तो लेट्स क्रिएट एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट राइट हम एक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे बनाते हैं एक एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कि जिसमें हमें दिया हुआ है फर्स्ट नेम यूजर का जॉन uh, कंसीडर करते हैं और लास्ट नेम दिया हुआ है हमें यूजर का कंसीडर कंसिडर सो हमारे पास एक पहला ऑब्जेक्ट है सिमिलर वे हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट हो सकता है फर्स्ट नेम कंसीडर करते हैं हमारे पास दिया हुआ है समथिंग एलेक्सा कंसीडर करते हैं हमारे पास एल नेम दिया हुआ है जो है सीरी ये दो हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बट हमें करना क्या है इसको ट्रीट कराना है और दोनों का फर्स्ट नेम लास्ट नेम कम्बाइन करके प्रिंट कराना है तो हम देखते नॉर्मल फॉर लूप से इजली हो जाएगा राइट बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा हम देखते हैं फॉर ऑफ लूप की मदद से कैसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कंबाइन करके प्रिंट करा सकते हैं देखते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पे यूजर करके बना लेते हैं और यहाँ पे हम डेटा डेटा के ऊपर हम रिट्रीट करेंगे विल गेट वट

एक बेसिकली फंक्शन होगा जिसमें हम कुछ भी काम कर सकते दिस कैन बी अ फंक्शन अंक्शन एनी थिंग यहाँ पे एक एलिमेंट एलिमेंट के अंदर मुझे वैल्यू आ रही है दिस इज अ बेसिकली फंक्शन कॉल बैक फंक्शन एलिमेंट में मुझे क्या मिलेगा टू कॉल दिस दिस एरे लाइक दिस फॉर इच विल कॉल दिस दिस यू नो कॉल बैक फंक्शन एवरी टाइम ऑन एवरी एलिमेंट विद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज सो लेट मी ट्राई टू जस्ट लॉग दिस ओवर हेयर element let's see what we get we got one two three four five right So कर क्या रहा है array के जितने भी element हैं for each loop में हो क्या रहा है array के अंदर जितने भी element हैं उन सब के ऊपर ये callback function जो create किया है एक एक बार call कर दे रहा है right with that value इस तरीके से this is very easy right let's try to do the same thing with our data uh, ah, sorry I should not do it over here I should do it over here डेटा so, के ऊपर हम कॉल करा के देखते हैं कैसे ये काम करेगा लेट्स ट्राई टू रन यू कैन सी इट हैज गिवन मी द कंप्लीट ऑब्जेक्ट फाइन राइट हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं जहां पे हम कंबाइन करेंगे अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम राइट सो इसी वे में यहां पर ही कर देते हैं हम तो करेंगे क्या यहाँ पे यूजर का एलिमेंट डॉट एफ नेम स्पेस देते हैं फिर क्रिएट करते हैं फिर लिखते हैं एलिमेंट डॉट एल नेम विल प्रिंट Right? Right? बट ये थोड़ा सा और इजीवे में हो गया दो ही तीन ही लाइन में हो गया right? उसमें भी हमारा ऐसे ही था लगभग कुछ सेम तो so, no सिर्फ हमारा एरिस बट फॉर ऑफ लूप और या फॉर लूप नॉर्मल हमारा जो होता है वो स्टिंग के साथ किसी के साथ भी काम कर जाएगा देखते हैं अब हम एक काम करते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कंसिडर करते हैं नेम एलेक्सा ठीक है इसके ऊपर मुझे फॉर ऑफ लूप काम करा के दिखाते हैं तो हम लिखते हैं फॉर करते हैं ऑलरेडी डिक्लेयर है बेसिकली लिए हमें नेम नहीं कॉल करना चाहिए इसको नेम वन कर देते हैं नेम वन लॉग